हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हेल्प। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निकाली गई जूनियर एसोसिएट वैकेंसी की। इस वीडियो में आपको इन वैकेंसीज के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जूनियर एसोसिएट के 8600 पद निकाले गए। यदि हम स्टेट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो गुजरात में है 410, दादरा एंड नगर हवेली में है 9, दमन एंड दीव में है 6, आंध्र प्रदेश में है 253, कर्नाटक में है 500, मध्य प्रदेश में है 420, छत्तीसगढ़ में है 230, वेस्ट बंगाल में है 565, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में है 27, सिक्किम में है 8, ओडिशा में है 350, जम्मू कश्मीर में है 40, हिमाचल प्रदेश में है 132, चंडीगढ़ में है 36, पंजाब में है 337, तमिलनाडु में है 421, पौंडीचेरी में है 4, दिल्ली में है 437, उत्तराखंड में है 184, हरियाणा में है 152, तेलंगाना में है 425, राजस्थान में है 600, केरला में है 247, लक्षद्वीप में है 3, उत्तर प्रदेश में 1197, महाराष्ट्र में है 780, गोवा में है 20, असम में है 300, अरुणाचल प्रदेश में है 55, मणिपुर में है 10, मेघालय में है 25, मिजोरम में है 10, नागालैंड में है 40, त्रिपुरा में है 10, बिहार में है 115, झारखंड में है 235। आप कैटेगरी वाइज इस वीडियो को पॉज करके नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इन पदों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ग्रेजुएट कैंडिडेट इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेम में अपीयर हो रहे हैं वे भी इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये प्रूफ लाना होगा कि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन 31 अगस्त 2019 या फिर इससे पहले कंप्लीट कर ली है। यदि आप सेलेक्ट होते हो, सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें प्री एग्जामिनेशन और मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाएंगे। प्री एग्जामिनेशन में 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा जिसकी ड्यूरेशन रहेगी 1 आवर और इसमें 3 सेक्शन रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन और टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100 और टोटल मार्क्स रहेंगे 100 और ड्यूरेशन रहेगी 1 आवर। अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी कैंडिडेट अब मेन एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्ट होंगे। मेन एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा जिसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एम्पटीट्यूड के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एम्पटीट्यूड के 50 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 190, मार्क्स रहेंगे 200, ड्यूरेशन रहेगी 2 घंटे 40 मिनट। एज लिमिट, इन पदों पर 20 से 28 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फी, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए एग्जामिनेशन फी रहेगी 125, जनरल ओबीसी के लिए एग्जामिनेशन फी रहेगी 750। इंपॉर्टेंट डेट्स, इन पदों पर आप 12 अप्रैल 2019 से 3 मई 2019 तक अप्लाई कर सकते हैं। प्री एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट है जून 2019, मेन एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट है अगस्त 2019। एग्जामिनेशन सेंटर हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और ऊना में ये टेस्ट ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। आप स्टेट वाइज सेंटर की जानकारी इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हमने बात की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निकाले गए जूनियर एसोसिएट के विभिन्न पदों की। यदि आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।